वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हमारा डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला फॉर इंटरपोलेशन। अब ध्यान से देखिए, आज हम पढ़ेंगे इसका डेरिवेशन, विच इज एन इम्पोर्टेंट वन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और समझिए इसको कैसे करेंगे। न्यूटन्स फॉर्मूला है, हमने फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन होगा, देयर विल बी इक्वल स्पेसिंग ऑफ डाटा। जब हमारे पास एक इक्वल स्पेसिंग ऑफ डाटा गिवन होगा तो हम क्या मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट कि जो हमें डाटा गिवन है वो किस तरह से गिवन है, x0, x1, x2, xn माइनस वन, xn, हमें ये टोटल कितने पॉइंट्स गिवन है, n प्लस वन पॉइंट्स गिवन है। अब n प्लस वन पॉइंट्स हैं, तो इनका फंक्शन की वैल्यू गिवन होगी fx0, fx1, fx2, fxn। क्योंकि हमने h इनकी स्पेसिंग मान रखी है, तो x1 कुछ नहीं होगा, x1 होगा x0 प्लस h, x2 कुछ और नहीं होगा, वो होगा x0 प्लस 2h। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि ये n प्लस वन पॉइंट्स हैं तो हमारे पास कितने डिग्री की पॉलीनोमियल बनेगी, n प्लस वन पॉइंट होते ही हमारे पास बनेगी n डिग्री की पॉलीनोमियल, तो हमें एक n डिग्री की पॉलीनोमियल बनानी है। अब ध्यान से देखिए, लेट दीज आर आर्गुमेंट्स फॉर डेरिवेशन। सबसे पहले हम लिखेंगे, लेट अस सपोज दैट देयर इज अ फंक्शन ऑफ nth डिग्री, एक पॉलीनोमियल बनेगी जो nth डिग्री की होगी, वो कैसे होगी ध्यान से देखिए, a नॉट एक कॉन्स्टेंट प्लस अगली होगी एक डिग्री भी x माइनस एक्स नोट, अगली होगी दो डिग्री भी दैट इज ए टू एक्स माइनस एक्स नोट और एक्स माइनस एक्स वन, ऐसे ही आप सो ऑन टू चलते जाओगे, जो अगली पॉलीनोमियल में बनेगी वो कितने डिग्री की बनेगी, सो ऑन टू हमारे पास बनेगी nth डिग्री की, ए एन ए वन एक्स माइनस एक्स नोट, ए टू फिर दो फंक्शन, ए एन में क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन, और ये कहां तक चलेगा x माइनस एक्स एन माइनस वन, हमारे पास ये बनेगी। तो हमने क्या करा, ये एक अपनी तरफ से पॉलीनोमियल लेके चले, हमें बेसिकली क्या करना है, हमें बेसिकली इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेयर a नॉट a वन a टू एंड सो ऑन टू आर कोफिशिएंट्स और वी कैन से दैट कॉन्स्टेंट्स, हमें इनकी जस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, तो लेट x is equal to x1, या फिर हम लोग कहते हैं 4x is equal to x1, हम चेक करते हैं, तो देखिए 4x is equal to x0 पुट करते ही इन इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगा, fx0 is equal to a0, और सब में x minus x0 है, सब में x minus x0 है, वो सारी क्या हो जाएंगी जीरो, तो मेरा पहला कांस्टेंट आ गया a0 is equal to fx0। अगला चलते हैं, नाउ पुट नेक्स्ट पुट करो, हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या पुट करोगे, अगला पॉइंट पुट करो x is equal to x1, अब x1 पुट करो इस पॉलीनोमियल के अंदर, जैसे ही आप x1 पुट करोगे ये बन गया fx1, नेक्स्ट बनेगा आपके पास is equal to a0 plus a1, यहां बच गया x1 minus x0, अब बाकी सब में x1 है तो क्या हो गया जीरो, a0 की वैल्यू मेरे पास है सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंप्लीफाई करो क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज fx1 इज इक्वल टू a0 की वैल्यू fx0 प्लस a1, x1 माइनस x0 क्या होता है स्पेसिंग है h, तो मैं यहां से सिंप्लीफाई करके कह सकता हूं a1 इज, इसको इधर भेज दो fx1 माइनस fx0 डिवाइडेड बाय h, तो ये मेरा क्या आ गया a1, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो fx1 minus fx0 क्या होता है, fx1 minus fx0 होता है del fx0 divided by x, तो ये मेरा आ गया first a1 constant, a0 आ गया a1 आ गया। Similarly जब आप इसके अंदर x is equal to x2 put करोगे तो क्या simplify होके आएगा, मैं simplify कर देता हूँ यहाँ पे, x is equal to x2 put करो यहाँ पे क्या बनेगा, fx2 is equal to a0 plus a1, क्या बचेगा यहाँ पे x2 minus x0 plus a2, क्या बचेगा यहाँ पे x2 minus x0, और next value क्या बचेगी x2 minus x1, ठीक है बाकी सारी values zero। अब आपको करना क्या है, आपको क्या करना है इस a0 की इस a1 की value substitute करनी है, x2 minus x0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा simplify करोगे तो यहाँ से 2h, x2 minus x0 क्या हो जाएगा 2h, x2 minus x1 क्या हो जाएगा h, तो a2 बच जाएगा, a2 को सिंपलीफाई कर लेंगे, तो हम
जब ए टू को सिंप्लीफाई करेंगे बाय अप्लाइंग दिस फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला तो ये बनेगा आपके पास डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। इसको आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो, देख सकते हो ये आपके लिए होमवर्क है। सिमिलरली आप इसी तरह हम ए एन पे निकालेंगे तो वो क्या बनेगा, आपको बस ये सिंप्लीफाई करना है और सिमिलरली आपको ए एन लिखना है। दैट इज सिमिलरली ए एन इज सेम पैटर्न से क्या बनेगा डेल एन एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल और एच की पावर एन। देखिए दो है तो दो डिफरेंस एच स्क्वायर टू फैक्टोरियल, एन होगा तो एन डिफरेंस एच की पावर एन एन फैक्टोरियल। मेरे पास ये सारी वैल्यूज आ गई जो जो मुझे निकालनी थी, जो जो निकालनी थी वो सारी आ गई। जस्ट आपको करना क्या है, जस्ट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला। अब सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करो, लेट अस सपोज पुट करते हैं तो क्या बन गया हमारे पास, नाउ fx इज इक्वल टू, पुट करने के बाद बन गया देखो fx इज इक्वल टू a नॉट की जगह रख दो fx नॉट प्लस, इज इट क्लियर। नेक्स्ट a1 की जगह रखो डेल fx नॉट बाय x, तो ये क्या बच गया x माइनस x नॉट इनटू डेल fx नॉट बाय h, इज इट क्लियर। नेक्स्ट प्लस ए टू को रखो, ए टू इसी तरह बचेगा आपके पास एक्स माइनस एक्स नोट, एक्स माइनस एक्स नोट, एक्स माइनस एक्स वन, इज इट ओके। नेक्स्ट क्या बचा ए टू, दैट इज डेल स्क्वायर, दिस इज डेल स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे डेल स्क्वायर एफ एक्स नोट, इज इट क्लियर, डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन टू एन पे रख देना। अब ध्यान से देखो ये बन गया आपके पास डेरिवेशन का फॉर्मूला, लेकिन न्यूमेरिकल देखो ये दिस इज योर फॉर्मूला एन एथ क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन न्यूमेरिकली आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो आपको न्यूमेरिकली सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, और न्यूमेरिकली सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली क्या करते हैं यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जस्ट आपको एक यू सब्स्टिट्यूट करना है, और यू सब्स्टिट्यूट क्या होगा देखिए ध्यान से, हम क्या मानते हैं लेट u is equal to x minus x naught by h, यही मानते हैं ना ये रहा। तो यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बच गया x is equal to x naught plus u h, ठीक है हमारे पास x की वैल्यू, तो हमें fx ही निकालना है। तो fx is equal to सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं फर्स्ट वैल्यू fx naught प्लस ये सारी वैल्यू क्या बन गई u बन गई u del fx naught प्लस, अब यहां चलते हैं यहाँ क्या बचना चाहिए u into u minus 1। देखो इस h square को आप दो में डिवाइड कर दो, दो में कैसे डिवाइड करोगे, एक बार h यहाँ लिख दो एक बार h यहाँ लिख दो, टू फैक्टोरियल आपके पास है ही, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेल स्क्वायर एफ एक्स नोट बाय टू फैक्टोरियल। अब देखिए x माइनस एक्स नोट बाय एच तो क्या हो गया u, नेक्स्ट क्या बचना है x माइनस एक्स वन बाय एच। अब इसमें आप क्या करो, आप x माइनस एक्स वन को सिंप्लीफाई करो, यहां से देखो मैं यहां सिंप्लीफाई कर रहा हूं x माइनस एक्स वन वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू क्या है x नॉट प्लस यू एच, x वन की वैल्यू क्या है x नॉट प्लस h, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है x नॉट से x नॉट कैंसिल आउट, क्या बच गया u माइनस वन इन टू एच, डिवाइड बाय h से डिवाइड बाय h कैंसिल आउट, अगर मैं h करूंगा तो h कैंसिल आउट, तो क्या बच गया u माइनस वन, तो ये बच गया u इन टू u माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल दिस। नेक्स्ट एंड सो ऑन टू आप चलते जाओगे तो आपके पास क्या बचेगा u into u minus 1, अगर मैं nth पे जाऊंगा del n fx naught by n factorial तो u into u minus 1 and so on to u minus n minus 1, ये हमारे पास वैल्यू बचेगी। अब ध्यान से देखिए अब ये वैल्यूज आ गई आपके पास, जो ये फॉर्मूला है दिस इज योर न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला फॉर इंटरपोलेशन। अब ये फॉर्मूला हम अपने न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं। अब अगर इसको मैं वाई की फॉर्म में चेंज करना चाहूं तो क्या बनेगा वाई की फॉर्म में, वाई की फॉर्म में चेंज कर आप जो बुक्स में या अगर आप क्वेश्चंस में सिंप्लीफाई करते हो तो वाई की फॉर्म में क्वेश्चन क्या बनता है वाई एक्स इज इक्वल टू वाई नोट, क्योंकि अगर मैं इसको वाई एक्स मान लूं तो ये वाई नोट ये वाई वन ये वाई टू इस तरह से वैल्यूज होती है, वाई नोट प्लस यू डेल वाई नोट यू इंटू यू माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल del square y naught, next क्या होगा u into u minus 1 into u minus 2 by 3 factorial, क्या बचेगा del cube y naught and so on, तो हमारा ये formula चलता जाएगा।
दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। तो ये आपके पास अगर आ गया न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला, तो आप उसको इस तरह डिराइव कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, और इसको शेयर भी करो। ध्यान से देखना, आप इससे अपने